हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं रतिप्रिया यक्षिणी के बारे में। जी दोस्तों, रतिप्रिया यक्षिणी, जिसे प्रेम की देवी भी कहा जाता है, आज हम आपको उसकी एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कई सौ साल पहले मध्य प्रदेश में माता बगलामुखी का जो वर्तमान मंदिर है, उस जगह पर एक मठ हुआ करता था, जो बाद में धीरे धीरे करके मंदिर बन गया। इसमें तरह तरह की तंत्र विद्या सिखाई जाती थी, लेकिन समय बीतने के साथ में वह मठ बर्बाद हो गया और केवल वहां पर एक खंडर रह गया। यह गुप्त काल की बात है। उस समय बहुत ही दूर दूर नगर और स्थान हुआ करते थे। ऐसे में वहाँ पर वर्तमान में कोई भी व्यक्ति नहीं रह गया था, लेकिन पुराने समय में वहाँ पर बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं, तंत्र मंत्र किए गए थे। ऐसे ही एक बार उस नगर के निकट ही गांव में रहने वाला युवक, जिसका नाम रामदास था, उसने घूमने हेतु और नगर जाने हेतु एक मार्ग का चयन किया और उस मार्ग पर चलते चलते कुछ दूर पहुंचने के बाद थोड़ा सा अपने लोटे से जल निकाला और उसने पी लिया। उसके बाद अचानक से उसे नींद आने लगी और वह एक नीम के पेड़ के नीचे सोने लगा। कुछ देर बाद उसे पता ही नहीं चला रात कब हो गई। रात हो जाने के पश्चात में, उस ज़माने में जंगल हुआ करते थे, जो कि बड़े भारी जंगल होते थे। उन जंगलों में जाने पर व्यक्ति अक्सर रास्ता भूल जाया करते थे, क्योंकि एक निश्चित मार्ग नहीं होता था। उस ज़माने में रास्ते नहीं हुआ करते थे, छोटी छोटी पगडंडी हुआ करती थी, तो उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वह कैसे जाए। और क्योंकि चांदनी रात थी, इसलिए थोड़ा प्रकाश दिखाई दे रहा था और उस प्रकाश के कारण एक पगडंडी को उसने पकड़ लिया और उसने यह सोचा यही नगर की तरफ जाती होगी। चलते हुए आखिर वह सो ही गया था और इतनी गहरी नींद में सोया था कि उसे पता ही नहीं चला कि रात कब हो गई। लेकिन अब उसका उस जगह पर रहना खतरनाक हो गया था, क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा था। पगडंडी पकड़कर सोचा कि इसी रास्ते पर मैं आगे चलता जाऊं। वो उस रास्ते पर चलने लगा। काफ़ी देर तक चलने के बाद उसने चारों तरफ खंडरनुमा एक नगर देखा, जहां चारों तरफ खंडर ही खंडर थे। उन खंडरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि कभी किसी ज़माने में यहाँ पर कोई मठ या मंदिर रहा होगा, और यह वही स्थान था जहाँ पर आज बगलामुखी मंदिर शाजापुर में स्थित है। इन खंडर और जंगलों को देख करके वह इधर उधर की बातें सोचने लगा। अब मैं कहाँ जाऊँ, और अगर अत्यधिक रात हो जाने पर भी मैं चलता रहा तो किसी जंगली जानवर के द्वारा मारे जाने का खतरा है। रामदास ने इन सब बातों को सोचते हुए कहा कि उसे इसी जगह रात बितानी चाहिए। अगर रात यहाँ नहीं बिताई तो वह निश्चित रूप से उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए उसने वहीं रात बिताने की सोच ली। वहीं प्राचीन मठ और मंदिरों को देखता हुआ चारों तरफ उन सब का मुआयना करने लगा। इधर उधर भटकते भटकते उसे एक जगह पर ऐसा लगा कि यह स्थान उपयुक्त है, मैं यहाँ पर ठहर सकता हूँ। जैसे ही वो वहाँ पर गया तो वहाँ एक लाल रंग का फल रखा हुआ था। उस सेब को देख करके उसने सोचा, यहाँ पर तो कोई आता नहीं है, फिर यहाँ ये फल पर क्यों रखा हुआ है। उसे समझ तो कुछ नहीं आया, लेकिन वह भूखा था, इसलिए उसने उसे उस ऊंची प्रतिमा से उठा लिया और खाने लगा। खा लेने के बाद उसे प्यास लगी। प्यास लगने के कारण फिर वह चारों तरफ उसी खंडर में ही भटकने लगा, कहीं से उसे जल की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि जो लोटा लेकर वो आया था अपने साथ, उसमें भरा हुआ पानी समाप्त हो चुका था। भटकता हुआ देखने लगा, तभी उसे नज़र आया कि सामने एक छोटा सा झरना है, जहाँ से पानी धरती से निकल रहा है। और पानी को पीने के लिए जैसे ही वह आगे बढ़ा तो उसे छम छम पायलों की आवाज़ सुनाई दी। छम छम पायल की झंकार को सुनकर कि वह हस्तप्रभ रह गया। उसे समझ में नहीं आया आखिर वह कैसी आवाज़ है, और उसने पानी पीने की कोशिश की। तभी उसने देखा एक बहुत ही खूबसूरत 20 या 21 वर्ष की नवयुवती उसके सामने खड़ी थी। उसने उसे देखकर अत्यंत ही मुस्कुराते हुए पूछा, आप कौन हैं और यहाँ पर बिना किसी की आज्ञा से पानी क्यों पी रहे हैं। रामदास ने कहा, मैं भटक गया हूँ, इसलिए मैं इस मठ में आ गया था, और यह उजाड़ जगह जो भी है, मैं इस जगह पर अपनी रात्रि बिताना चाहता हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले ही एक फल को खाया था और अब मुझे प्यास लग रही है, इसलिए अब मैं पानी पीना चाहता हूँ। तो क्या यहाँ पर मैं पानी नहीं पी सकता, और आप कौन हैं,
आप इतनी अच्छी सुंदर कैसे हैं, जैसे कि कोई अप्सरा हो। आप क्या यहाँ पर रहती हैं, आप कौन हैं, इस संबंध में मुझे प्लीज़ बताइए, मुस्कुराते हुए उसने कन्या से ये बात पूछी। कन्या ने कहा कि यह स्थान मेरा ही है, बरसों से मैं यहाँ रहती हूँ, मेरी आज्ञा के बिना यहाँ कोई कार्य नहीं होता है। ठीक है, अगर तुम्हें प्यास लगी है तो तुम पानी पी सकते हो। ऐसा कहने पर उनकी आज्ञा प्राप्त करके रामदास ने वहाँ पर पानी पीना शुरू कर दिया। पानी पीने के साथ ही उसकी प्यास तो मिट गई और अद्भुत आनंद की प्राप्ति भी हुई। उसके बाद वह कन्या एक प्रकाशमान व्यक्तित्व की तरह आगे आगे चलने लगी। उसकी सुंदरता को देख करके रामदास के मन में प्रेम भाव जागृत हो रहा था, कारण कि अकेले स्थान पर किसी भी अत्यधिक रूपवती कन्या को मिलने पर स्वाभाविक रूप से पुरुषों में ऐसा होता है। उसे देख करके उसके मन में विचार आ रहा था कि काश ऐसी स्त्री मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हो जाती तो मैं अत्यंत ही भाग्यशाली होता अगर ऐसी कोई कन्या मुझे मिल जाती, क्योंकि इसकी सुंदरता के आगे तो अप्सराओं की सुंदरता भी मात हो रही है। अप्सराओं में भी अगर इसे कोई देख ले तो लज्जा करने लगे। इतनी रूपवान सुंदरी यहाँ कैसे रहती है? और उसके पीछे पीछे चलते हुए उसने उससे प्रश्न किया, देवी आप कौन हैं, आप बताइए यहाँ पर आप कैसे और क्यों रह रही हैं, इस संबंध में और आपका परिचय क्या है? इस पर मुस्कुराते हुए पलटकर उस देवी ने उससे कहा, मैंने तुम्हें बताया ना, यह स्थान मेरा है और इन बातों की गोपनीयता को तुम नहीं समझ पाओगे, लेकिन हाँ मैं तुमसे बस इतना ही कह सकती हूँ कि मेरा नाम रति है, मुझे कामदेव के समान सुंदर होने का वरदान मिला हुआ है, इसलिए कोई भी मुझे जब भी देखता है तो वो मेरे रूप जाल में फंस जाता है, जैसे कि तुम भी फंस चुके हो। यह सुनकर के रामदास को बड़ा ही अचरज हुआ। रामदास ने कहा, मेरे मन की बातें आपने इतनी सरलता से कैसे जान ली? और कहने लगा कि क्या मैं आपका मित्र बन सकता हूँ? उसने कहा, वो तो तुम बन ही चुके हो, वरना मैं तुम्हें पानी कैसे पीने देती? इस प्रकार से थोड़ी देर वार्तालाप करने के बाद उसने कहा कि मैं उस वृक्ष के पीछे जा रही हूँ, अगर कोई समस्या हो तो तुम वृक्ष के पास आकर के किसी भी प्रकार का पत्ता इसकी जड़ पर रख देना और मैं समझ जाऊँगी कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, फिलहाल तुम यहाँ से जाओ। ऐसा कहने पर बिना कुछ सोचे समझे रामदास ने उसकी आज्ञा मान ली और चुपचाप वहाँ से पलटकर जाने लगा। वह देवी बहुत ही दिव्य चमक के साथ पेड़ के पीछे जाते ही गायब हो गई। पीछे पलट के थोड़ी दूर जाने के बाद रामदास ने देखा तो वहाँ पर कोई भी स्त्री नहीं थी। उस खंडहर पर यह सब ऐसा क्या हुआ उसकी समझ से परे था, लेकिन वह चुपचाप जाकर के खंडहर में एक स्थान पर बिछौना बिछाकर सोने लगा। सोने के बाद उसके मन में यह विचार बार बार आ रहा था कि काश ऐसी स्त्री मेरी पत्नी होती। और इसी प्रकार लेट करके सुबह के समय उसने देखा कोई उसके सिर के बालों को सहला रहा था, और अचानक से जब उसने उसी स्त्री को देखा तो उठ पड़ा और कहने लगा, आप यहाँ पर आप मेरे सिर को क्यों सहला रही हैं? तो उस देवी रति ने उसे कहा, क्या करूं, मन ही नहीं लग रहा था, मैंने सोचा कि तुम्हारे पास ही चली आऊं। तुम इतनी गहरी निंद्रा में सो रहे थे और ख्वाबों में खोए हुए थे, तब मैंने सोचा तुम्हारे बाल ही सहला दूं, कभी तो तुम उठ ही जाओगे, और देखो थोड़ी देर ही हुआ है और तुम उठ गए हो। अब बताओ कैसी बीती रात तुम्हारी, क्या तुम्हें अच्छे से नींद आई? रामदास ने कहा, देवी मुझे नींद तो अच्छी आई, लेकिन एक बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। रति प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बोलो। रामदास ने कहा, पता नहीं क्यों आपकी याद मुझे बार बार आ रही थी, आपका सुंदर चेहरा मुझे रात में सपने में भी दिख रहा था, आपके प्रति मेरे मन में अजीब सी भावनाएं पैदा हो रही थी, मन ही मन ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही ज़्यादा मैं आपको पसंद कर रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? तो देवी ने कहा, ये तो स्वाभाविक ही है, मैंने कहा ना कि मुझ पर कामदेव की शक्ति काम करती है, मेरे समान सुंदर नारी इस वक्त इस धरती पर कोई नहीं है, अब क्योंकि मैं भी यहाँ पर अकेली रहती हूँ तो मुझे भी कोई ना कोई तो साथी चाहिए था, और तुम मिल चुके हो। ऐसा करो कुछ दिन मेरी आतिथ्य ग्रहण करो, मैं तुम्हें गोपनीय बातें भी बताऊँगी और तुम्हें हर प्रकार से खुश रखने की कोशिश करूँगी ताकि तुम मुझे कभी भूल ना पाओ, यही मेरा स्वभाव है,
क्योंकि मेरा स्वभाव प्रेम देना है, इसलिए मैं केवल प्रेम के लिए ही बनी हूँ और केवल प्रेम ही देना पसंद करती हूँ। ऐसी बात सुनकर रामदास के मन ही मन में लड्डू फूटने लगे। रामदास को लग रहा था कि लगता है अब बात बन जाएगी, कभी तो यह स्त्री किसी न किसी तरह जरूर एक न एक दिन मान जाएगी। अब आज उसके मन में ऐसी भावनाएं हैं, अवश्य ही मैं इस कार्य में सफल रहूँगा। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, आप बताइए कि मैं आपके लिए क्या करूँ। तो रती प्रिया ने इशारा करते हुए कहा, सामने देखो, यह देवी की मूर्ति है। तो रामदास ने पूछा, यह देवी कौन है? तो रती प्रिया ने कहा, यह देवी बगलामुखी नाम से जानी जाती है, जो कि 10 महाविद्याओं में से एक है। ऐसा करो, इनकी प्रतिमा को शुद्ध जल से स्नान कराओ और उसके बाद फिर इनका पूजन सब प्रकार के फूलों से करो। मैं यही काम तुम्हें सौंप सकती हूँ और यह करके तुम मुझे भी प्रसन्न कर दोगे। उसकी बात को सुन करके बड़े ही अच्छे विचार मन में आए और जहाँ पर पानी निकलता था वहाँ से एक मटके में पानी भरा और माता बगलामुखी की जल स्नान प्रक्रिया को उसने पूरा किया। उसके बाद उन पर फूल चढ़ाए और अन्य प्रकार से उनकी पूजा को पूरा किया। जैसे ही पूजा पूरी हुई, वह आंखें बंद किए हुए आगे ही बैठ गया था कि तभी रती आई और उसने रामदास के होठों पर चुंबन कर दिया। होठों पर चुंबन होने पर अप्रत्याशित रूप से अजीब सा महसूस करने पर रामदास ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया देवी? रति ने कहा, तुमने मेरे अनुकूल कार्य किया है, तुमने देवी की उपासना की है, तो भला मैं क्यों नहीं प्रसन्न होती? इसलिए यह प्रेम पूर्वक एक छोटा सा उपहार मैंने आपके होंठों पर दिया है और आप क्या इस उपहार से खुश नहीं हैं? अगर खुश हुए तो आप भी मुस्कुरा करके इसका प्रत्युत्तर दीजिए। डरते और घबराते हुए रामदास मुस्कुराने लगा और उसने भी रति को पकड़कर उसके गालों पर चुंबन किया और हंसने लगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बेल आइकन को भी प्रेस करते जाइए।